डैडी हाउ आर यू? ऑल गुड बेटा, क्या हाल है? कैसे जी हो? डैडी बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ बेटा। डैडी बिल्कुल ठीक। अच्छा डैडी, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। पूछें जनाब, पूछें आज पूछें हम आपसे ये क्वेश्चन। पूछना चाहते हैं कि आप हैं पाकिस्तानी और आप जॉब जो है कतर में करते हैं, मतलब आप कतर के रेजिडेंट हैं, हाँ जी तो हाँ। आपको क्या लगता है कि कतर में और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? कतर और पाकिस्तान में डिफरेंस, कतर और पाकिस्तान में डिफरेंस, यही है जी सवाल जी है ना जी जी आपका? हम पाकिस्तानी हैं। जी पाकिस्तान में हमारे जो है ना मोहब्बत कूट कूट के भरी है, जी तो वी लव पाकिस्तान। और जहाँ दुनिया के किस कोने में भी जाएंगे हम पाकिस्तानी कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है कतर एक ऐसा मुल्क है जो आपको ज़रिया मौश बनाए, ठीक है वेल सेटल्ड होने का मौका जिसने बख्शा है, जो फुली क्या कहते हैं सिविलाइज्ड टाइप के लोग हैं यहाँ के लोग, बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान के अपने मसले हैं लेकिन उसमें अपने मज़े भी हैं। जी जैसे आप पाकिस्तान में जब रहते हो तो लाइट चली जाती है, पानी के मसले हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल आते हैं, ट्रैफिक का हजूम होता है, लेकिन उसका भी एक अपना लुत्फ़ होता है। जी मतलब शोर शराबा हो, टीवी बज रही हो, आप बिजी रहते हो। और दूसरा ये है कि लाइट चली जाती है, पड़ोसियों से आपकी लाइट आई, आपकी लाइट आई, और फिर आप वो बेचारे कराची इलेक्ट्रिक हो, जो अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब इलेक्ट्रिक को गालियाँ वालियाँ दे रहे होते हो, जी तो आप बिजी, आपकी ज़िंदगी एक मसरूफ़ है वहाँ पे। उसकी भी एक अपनी ब्यूटी है, उसका भी एक अपना एक ना मज़ा है। जी यहाँ पे ना लाइट जाती है, ना बिजली जा, मतलब ना पानी की कमी होती है, चीज़ें आती हैं जाते हैं, तो एक बड़ी कंफर्ट जोन की ज़िंदगी है। पर वो जो है ना, बंदा कहता है इंसान भी हलचल में ही पसंद करता है, तो हमें लगता है दुनिया ही सीधी सादी सी, ये टाइम आज जुम्मा आता है जुम्मा फिर चला जाता है। तो पाकिस्तान में जब जाते हैं तो जुम्मे का पता चलता है, हफ्ते का पता चलता है, इतवार का पता जी चलता जी है। और ये है कि वहाँ पे सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके मिलने वाले, इधर लिमिटेड लोग हैं जो जी आपके जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, तो फ़र्क तो है। अच्छा यहाँ डैडी, पता तो आप है क्या प्रेफर करते हैं? जैसे अगर आप पाकिस्तान में अच्छा अर्न कर रहे हैं तो बस लोगों को क्रेज होता है बाहर आने यार, का। मेरा पर्सनल पता है क्या कहना, अगर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट उनकी जी मेंटेलिटी और जी डिफरेंट उनकी थॉट्स होती हैं, सोचने का मैं अगर फ़र्क होता है, मेरा तो ये कहना है जहाँ आपके बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप नस्लें जी वहाँ आप रहे, जितना पैसा मुझे कतर में मिल रहा उधर मिल रहा हो, जी तो क्या ही कहने फिर पाकिस्तान के। वो कहते ने कि दांत भी हों चने भी हों और बंदा जी चबाए ना तो मज़ा नहीं, तो फिर पाकिस्तान में कई सारी चीज़ें तो मिलती। लेकिन ये अगर आप मुल्क से बाहर आते हो तो ऑफकोर्स मजबूरी के तहत आते हैं ताकि ज़रिया माश अच्छा हो जाए। तो प्रेफरेंस तो ये है कि आप अपने मुल्क में काम करें, लेकिन अपने मुल्क में अगर मौके मिलें आपको रोज़गार के अच्छे जी तो श्योर अपने मुल्क में रहना चाहिए। लेकिन ये भी हमारा ही मुल्क है, ये हमारा होम टाउन है कतर भी, तो यहाँ भी हमें ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं फील होता कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मिलती हैं, खाना पीना लोग जुबान के मिल जाते हैं, और आई थिंक इट्स गुड। और डैडी, आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो जैसे जो बहुत यंग जनरेशन है, उनको आज़ाद वीज़ा का बहुत शौक है गलत आजकल पाकिस्तान में, न्यू ट्रेंड चल गया है ना गलत कि गलत गलत। मैं उन तमाम बच्चों को जो कि जिनको क्रेज़ है मुल्क से बाहर आने का, वो कहते हैं कि हम मुल्क से बाहर जाएँ जरिए माश के लिए, अच्छी बात है, लेकिन खुदा के वास्ते ये आज़ाद जो वीज़ा है जो है ना, ये फ्रीलांस वीज़ा पे कभी ना आए। एक तो आप 8-10 लाख रुपया लगा के मिडल ईस्ट में आते हैं, ऊपर से आपको जॉब नहीं मिलती, आपको छोटे से कमरे में घुसेड़ देते हैं, तो जब भी आप आएँ तो जॉब सिक्योर करके आएँ, यानी किसी कंपनी के थ्रू आएँ, किसी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट जी कंपनी जो भी है जो आपको हायरिंग कर रही है उनके साथ आएँ, अपनी इंश्योरेंस देखें, अपना मेडिकल देखें, अपना इनकम को देखें, आपको बेनिफिट्स क्या हैं। तो वो लोग जो बगैर रोज़गार के सिर्फ पैसा 8-10 लाख रुपये लगाते हैं और एक आज़ाद वीज़ा लेते हैं, यानी कि फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं और आ जाते हैं, फिर उन्हें हर साल पैसे भी उसके पे करने होते हैं, जॉब तलाश करनी होती है, तो ऐसे लोगों को मेरा मशवरा कि अवॉइड करें। जी और डेट पाकिस्तान में आजकल एक न्यू चीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है फेमस हो गई हुई है, कॉल सेंटर्स, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है अगर यंग यार उसका जनरेशन मुझे को? मेरा तजर्बा नहीं है, लेकिन सुना लोग भर बच्चा कॉल सेंटर, जो कॉल सेंटर
लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि यार खुदा के वास्ते जल्दी के चक्कर में आप कॉल सेंटरों में लग जाते हो, आप जिस फील्ड की हो ना उसमें कोशिश करो। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करो जॉब, असल असल प्रोफेशन में जाने की कोशिश करो, ना कि अल्टरनेट प्रोफेशन में घुसो। मेरा तो मशवरा है कि आप अपने प्रोफेशन में जाएं, और जल्दी पैसा, जो चीज़ जल्दी आती है वो जल्दी जाती है, जो चीज़ देर से आती है वो देर तक रहती है, देर पर रहती है। तो भले देर से आपको जॉब मिले, लेकिन अच्छी जॉब अपनी प्रोफेशन की जॉब लेंगे तो आप ज़्यादा कम्फर्ट जोन में जाएंगे और ज़्यादा कम्फर्ट फील करेंगे। ऑलरेडी एक पाकिस्तान और कतर दोनों की एक अच्छी अच्छी बात जो आपको बहुत पसंद है वो तो। मुझे तो पाकिस्तान की हज़ारों चीज़ें पसंद है, मुझे कतर की हज़ारों लाखों चीज़ें पसंद है, एक चीज़ से तो गुजारा ही नहीं है। जैसे आपने बोला समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ आपने बात कर दी, यहाँ तो कतर में तो लाखों ही चीज़ें अच्छी हैं जी, और पाकिस्तान में तो लाखों करोड़ों चीज़ें अच्छी हैं। पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात है हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से हम प्यार करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, बताते हैं पाकिस्तानी। कतर की ये अच्छी खूबी है कि कतर तमाम जो एक्सपैट्स हैं उन सबको एक्सेप्ट करता है और उनको अपना मुल्क के जैसे जो है ना मौके देता है, रोज़गार के मौके देते हैं और आपको बढ़ने फलने बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो बोथ आर द ग्रेट कंट्रीज यार। तो चलिए नडी इसी के साथ हम अपना जो पॉडकास्ट एंड करते हैं, फिर आपसे किसी न्यू क्वेश्चन और न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।